आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आदिवासी विकास खंड नगरी में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत माननीय नालसा एवं सालसा के निर्देशानुसार जिला सत्र न्यायाधीश धमतरी डॉक्टर सुधीर कुमार एवं कलेक्टर धमतरी श्री पी एस एल्मा के मार्गदर्शन में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान के अंतर्गत दिनांक 8 नवंबर 2021 से प्रारंभ हुए विविध कार्यक्रम का समापन बाल दिवस 14 नवंबर 2021 को व्यवहार न्यायालय नगरीय में न्यायाधीश श्री भावेश कुमार बट्टी के मुख्य अतिथि तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नगरीय ब्लॉक के स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं स्थानीय नागरिकों के द्वारा न्यायालय परिसर के ग्राम देवपुर तक न्यायाधीश श्री भावेश कुमार बट्टी एवं बीआईओ सतीश प्रकाश सिंह की उपस्थिति में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में सम्मिलित छात्र छात्राओं एवं युवाओं के द्वारा उत्साह पूर्वक देशभक्ति पूर्ण आजादी के अमृत महोत्सव के नारे, विधिक जागरूकता एवं कोविड-19 संपूर्ण टीकाकरण जागरूकता के नारे लगाए गए। समापन अवसर पर न्यायाधीश श्री भावेश कुमार बट्टी ने विद्यार्थियों को न्यायालय परिसर का भ्रमण करवाकर भारत के कानूनों एवं विधिक संबंधी जानकारी बताकर प्रेरित किया। इस अवसर पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह ने छात्र छात्राओं को देश की आजादी के अमृत महोत्सव का महत्व बताते हुए श्रेष्ठ नागरिक कर्तव्यों का पालन करने के आह्वान किए। बीईओ सतीश प्रकाश सिंह ने पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले अपने सभी प्रतिभागियों की प्रशंसा कर छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम में प्राचार्य पीसी झा, पैरा लीगल वॉलंटियर्स सुरेश कुमार साहू, सीपी महिलांग, न्यायालय कर्मचारी बी आर सूर्यवंशी, रामेश्वर देवांग, मुल्क राज साहू, आरक्षण द्वय हरिशंकर सिन्हा, जितेंद्र चंद्राकर, नगर सैनिक द्वारिका साहू स्क्वाड सचिव, सीएस कुमारी साहू, लता चाड़ा के शिक्षक शिक्षिकाएं, स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं, युवाओं सहित नागरिक गण उपस्थित थे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।